डंकी फिल्म अपने पहले 8 दिनों में 162 करोड़ कमा चुकी है इंडिया से, अपने पहले 8 दिनों में। और कल इसका 9वां दिन है, और कल का एडवांस भी दोस्तों ऐसा है कि जैसे एडवांस इसका थर्सडे को था, वैसे ही एडवांस दोस्तों फ्राइडे का है। यानी कि कहीं भी ये फिल्म गिरी नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये फिल्म नहीं गिरेगी तो 25 तारीख के बाद भी ये फिल्म दोस्तों चलती रहेगी, और डेली इसके अच्छे अच्छे कलेक्शन आएंगे, ये फिल्म डेली पैसा कमाएगी। मुझे देखकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये फिल्म गिर नहीं रही है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म कल फ्राइडे को 8.75 करोड़ के आसपास ट्रेड से इसका फिगर आएगा, और ऑफिशियल 9.5 करोड़ ये फिल्म करेगी। 9.5 करोड़ ऑफिशियल दोस्तों ये फिल्म करेगी। क्या पता सरप्राइज करके ये फिल्म 10 करोड़ कल कर जाए। अगर कल 9.5 करोड़ होगा या 10 करोड़ होगा तो 171.50 करोड़ से 172 करोड़ तक ये फिल्म पहुंच जाएगी, और बहुत जल्द दोस्तों 200 करोड़ का आंकड़ा भी हम छू लेंगे। क्योंकि सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, यानी संडे के रात जो नए साल की रात होगी वहाँ ये फिल्म उठेगी। और सैटरडे संडे अगर बहुत अच्छा नंबर आ गया, अगर किसी दिन 15 करोड़ आ गया, किसी दिन 15 आ गया, किसी दिन 14 आ गया, 13 आ गया, तो फिर 250 करोड़ तो ये फिल्म आराम से जाएगी। क्योंकि 172 करोड़ तो ये फिल्म कर चुकी है अपने पहले, क्या कहते हैं, पहले आप अपने पहले 9 दिनों में। कल का मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, कल अगर ये फिल्म 9.5 करोड़ कर लेगी तो ये 9 दिनों में 172 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगी। फिर सैटरडे इसका 10वां दिन होगा, फिर संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, यानी पहले 12 दिनों में ये फिल्म बहुत अच्छा खासा कमाई कर लेगी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट हो जाएगी। क्योंकि इस फिल्म का बजट दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़े स्केल की फिल्म नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया गया है, एक नाटक की तरह फिल्म को बनाया गया है। और इस फिल्म का बजट सिर्फ फिल्म बनाने में और शाहरुख खान का जो मार्केट वैल्यू है वो ऐड हम ना करें तो 85 करोड़ इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों। 85 करोड़ में ये फिल्म बनी है। महंगे महंगे एक्टर भी नहीं है दोस्तों, शाहरुख खान को अगर हम निकाल दें तो विकी कौशल बहुत सस्ते एक्टर हैं, जो 3-4 कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं वो नए हैं, तापसी पन्नू बहुत सस्ती एक्ट्रेस हैं। तो बहुत कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े एक्टर इस फिल्म में नहीं थे, कि बजट इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाए, बहुत बड़े स्केल पे फिल्म को शूट नहीं किया गया, मारधार नहीं था कि भाई चलो VFX में खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। तो जितना खर्चा हुआ है दोस्तों ये फिल्म बहुत कमा ली है, और अगर 250 करोड़ कर लेगी लाइफ टाइम तो सुपर हिट हो जाएगी, और वर्ल्ड वाइड ये 400 करोड़ प्लस चली जाएगी। तो भाई अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये 1000 करोड़ कर ले। एक ड्रामा फिल्म जो कि डेड हो चुका है, पूरी तरीके से डेड हो चुका है ड्रामा जॉनर, ऑडियंस इस वक्त पे मारधार वाली फिल्में देखना ज़्यादा पसंद कर रही है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं, और देखते रहे FF News। टेक केयर।